1 जुलाई को महिला के साथ हुई लूट का गोरखनाथ थाने के पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान गोरखनाथ थाना क्षेत्र निवासी जीशान अहमद पुत्र मोहम्मद असलम, मोहम्मद अनस पुत्र रुकुरुद्दीन व मोहम्मद इस्लाम पुत्र वसीम अहमद के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने 1 मोबाइल, 1 जोड़ी लेडीज सैंडल, 1 लेडीज कुर्ती, 1 जोड़ी लाल व सफेद कपड़ा तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी होंडा एक्टिवा बरामद की है, जिसके संबंध में सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने 1 जुलाई को महिला से लूट की थी, जिनको मंगलवार को ग्रीन सिटी के पास से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने कहा, थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 1 जुलाई 2021 को एक महिला से पर्स छीन कर 3 स्कूटी सवार भाग गए थे। यह घटना ग्रीन सिटी क्षेत्र की थी। इस घटना के अनावरण के क्रम में थाने की टीम अनवरत प्रयासरत रही और उन्होंने आज कल जो है इस तीनों लुटेरों को पकड़ लिया और इनके पास से पर्स के अंदर रखा हुआ मोबाइल, अन्य सामान और साथ में घटना में प्रयुक्त एक्टिवा को भी बरामद किया गया। अभी तक की पूछताछ में कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया।